नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। नोटबंदी के दौरान अवैध रूप से धन के लेन देन के एक मामले में संभवतः पहली बार दिल्ली के एक अदालत ने शुक्रवार को पीएनबी के 3 अधिकारियों को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि उनके कृत्यों से उस संस्था पर धब्बा लगा है जिसमें वो काम करते हुए आगे बढ़े। विशेष न्यायाधीश राजकुमार चौहान ने पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों रामनंद गुप्ता, भुवनेश्वर कुमार जुल्का और जितेंद्र वीर अरोड़ा को 10.51 लाख रुपए की अवैध राशि को गलत तरीके से नोटबंदी की राशि के रूप में दिखाने और इसे अनधिकृत और अवैध रूप से बदलने के लिए दोषी ठहराया है। दरअसल आपको बता दें कि अदालत ने कहा कि दोषी के बैंक अधिकारी होने के कारण उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन करेंगे। दोषियों के कृत्य ने संस्था पर धब्बा लगा दिया है जिसमें काम करते हुए वो वरिष्ठ अधिकारी के पद पर तक पहुंचे थे। यह नोटबंदी के बाद बैंक के अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रतीत होता है। दरअसल आपको बता दें कि अदालत ने अपराधियों को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। अभियोजन के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा के उप सर्कल प्रमुख ने 5 अप्रैल 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें दावा किया गया था कि नोटबंदी के दौरान बैंक की सिविल लाइन शाखा में 2 बार कुछ फर्जी रिकॉर्ड कंप्यूटर कोर बैंक सॉल्यूशन में डाला गया है जो जमाकर्ताओं द्वारा भरे गए मूल वाउचर के विपरीत थे। इसमें कहा गया है कि जमाकर्ताओं ने वैध नोट नकदी में जमा कराए थे लेकिन कंप्यूटर में इन्हें प्रतिबंधित करेंसी नोट के तौर पर जिक्र किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि 3 अधिकारियों ने 10,51,000 रुपए के वैध नोट अनधिकृत रूप से बदले हैं। सीबीआई ने 6 अप्रैल 2017 को मामला दर्ज किया था। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।